बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का टीचर हाफिज़ मसूद चौधरी। एट्थ क्लास तक आपने जो साइंस पढ़ी है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के तमाम पोर्शंस को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम नाइन्थ क्लास में पहुँचते हैं तो हम साइंस में इन ब्रांचेस को अलग अलग सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि साइंस क्या होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है, साइंस द नॉलेज विच प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो इस कायनात को समझने का फहम अता करता है वो साइंस कहलाता है। जिस नॉलेज के साथ, जिस इल्म के साथ हम इस कायनात को समझ सकते हैं, इस कायनात पर गौर कर सकते हैं, इस कायनात के बारे में हम मालूमात हासिल कर सकते हैं और इस कायनात के बारे की हम नई नई चीज़ों का खोज लगा सकते हैं, उस तमाम इलम होगा, वो जो सारा नॉलेज होगा, उसको हम एज ए होल साइंस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये कायनात दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहली चीज़ है मैटर और दूसरी चीज़ है एनर्जी। आप इन दोनों से उम्मीद है फेमिलियर होंगे। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैरिंग वेट। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मादा कहलाती है, मैटर कहलाती है। और मैटर जो होता है वो हमें मुख्तलिफ हालतों में मिलता है। देयर आर फोर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक होती है प्लाज्मा। और दूसरी चीज़ जिससे ये कायनात मिलकर बनी है, ये इतनी बड़ी कायनात है, साइंटिस्ट समझते हैं कि ये सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर और दूसरी जो चीज़ है वो एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जिसका ना कोई वेट होता है ना वो जगह घेरती है। अब एनर्जी के हम अगर बात करें, लाइट एक एनर्जी है जिसे हम रोशनी कहते हैं, साउंड एक एनर्जी है, इसी तरह हीट एक एनर्जी की टाइप है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है। तो एनर्जी की बेशुमार अकसाम है। एनर्जी ना तो वजन रखती है ना ही ये जगह घेरती है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर की चार चीज़ों को स्टडी करते हैं, चार बातों को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें अंदर हम कंपोजिशन ऑफ मैटर, अभी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, वी डील कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है। हम मैटर के बारे में चार बातें, मादे के बारे में चार बातें डिस्कस करते हैं। हर वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है हम उसको अमूमन मैटर ही कहते हैं। और हम मैटर की डेफिनेशन कर चुके हैं कि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और वेट भी कैरी करता है। ओके, अब कंपोजिशन क्या है? इसकी एग्जाम्पल मैं बच्चों को इस तरह देता हूँ कि हमारे दो चार लोग अगर हमारे पास बैठे हुए हैं, सबके किचन में अगर हम हॉट स्पाइसेस देखें, गरम मसाले वही होंगे, रेड चिल्ली वही होगी, ब्लैक पेपर वही होगा, साल्ट वही होगा, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही होते हैं। लेकिन एक ही घर से अगर हम चाय बनवाएं या कोई गोश्त बनवाएं या कोई राइस बनवाएं तो एक किचन से जो बनकर आएगा उसका टेस्ट कुछ और होगा, दूसरा किचन से जो बनकर आएगा उसका टेस्ट कुछ और होगा, तीसरे किचन से जो बनकर आएगा उसका टेस्ट कुछ और होगा। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर जो है, आज तक हम मैटर के बारे में साइंटिस्ट जो पता लगा सके, हम 118 एलिमेंट्स, यानी हम इसको सादा लफ्ज़ों में न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं यूँ कहूँगा कि ये जो इतनी बड़ी कायनात हमें नज़र आ रही है, इस कायनात को साइंसदानों ने अब तक सिर्फ 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए हैं जिन्होंने इस कायनात को मिलकर बनाया। आखिर ये 118 एलिमेंट्स किस तरह से कंपोज होंगे, किस तरह से आपस में मिलेंगे,
कि एक नई चीज़ बनेगी। हम इस कमरे में, इस रूम में मौजूद अगर चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें तो यहाँ पर कम अज़ कम 1000 से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होंगी मुख्तलिफ़ टाइप्स की। अब आखिर ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की 1000 से ज़्यादा चीज़ें तो इस रूम में मौजूद हैं, फिर इस बिल्डिंग में, फिर इस वर्ल्ड के अंदर कितनी चीज़ें हैं, फिर इस यूनिवर्स के अंदर। तो हम कहते हैं ये सारी चीज़ें मैटर के कंपोज होने से बनी है। मैटर किस तरह से आपस में कंपोज होगा और कोई नई चीज वजूद में आएगी, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, हो गया। जिस तरह अगर हम साइंटिफिकली बात करें H2O, अब H2O है, H2O जो है ये वाटर का फार्मूला है। यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2:16 और अगर हम इसको सिंपल करें तो 1:8। यानी हमें पता चला कि H2O की जो कंपोजिशन है वो 1:8 है, जिसमें हाइड्रोजन की रेशो 1 होगी और ऑक्सीजन की रेशो 8 होगी। इस तरह हमारे पास वाटर बनेगा। अगर ये रेशो नहीं होगी तो वाटर नहीं बनेगा, चाहे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जितनी देर मर्जी आपस में मिलाकर रखें, जैसे मर्जी आपस में मिलाएं, जब तक ये रेशो हम अटेन नहीं करेंगे पानी नहीं बनेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, कि किस तरह दो से ज्यादा मुख्तलिफ मैटर्स आपस में मिलेंगे और एक नई चीज बनेगी, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। इसके बाद है स्ट्रक्चर। हर मैटर का एक स्ट्रक्चर होता है, इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। मसलन मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये हमने जो H2O पढ़ा, H2OH, इसके दरमियान एक एंगल है 104.9 डिग्री का एंगल। इसी तरह एक और कंपाउंड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखें H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि यह भी तीन एटम्स पर मुश्तमिल है, यह भी तीन एटम्स पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देखें इसमें जो एंगल है वो 180 का है। केमिस्ट्री के अंदर हम इन स्ट्रक्चर्स को भी इन डिटेल स्टडी करते हैं कि कोई मैटर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज पर कैसे असर अंदाज हो रहा है। तीसरी चीज जो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि मादे की खसूसियात, क्या क्या इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अभी जो हमने कंपोजिशन की बात की, अगर मैं यहाँ पर कंपोजिशन लिखूँ तो इसकी कंपोजिशन है 12:32, इसकी कंपोजिशन है 12:16। अगर हम इसको सिंपल करें 6:16:3:8, यानी कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 3:8 है, और CO में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो कितनी है, 3:4। यानी अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 से मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर 3:4 से मिलाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या है, CO2 इज अ लाइफ गैस, CO2 एक जिंदगी बख्शने वाली गैस है। CO2 उन गैसेस में शामिल है कि अगर ये गैस ना हो तो जमीन पर जिंदगी का वजूद भी मुमकिन ना हो। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज अ किलर गैस, ये एक कातिल गैस है। खुदा ना खास्ता कोई जानदार अगर इसको स्मेल कर ले तो सबसे पहले तो वो बेहोश हो जाएगा और फिर उसके लंग्स की ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और उसका बचना बहुत मुश्किल है। यानी ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी, सिर्फ कंपोजिशन का फर्क है। और जैसे ही कंपोजिशन का फर्क आया इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल गई, और सिर्फ बदली नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। ये लाइफ गैस है और ये किलर गैस है, ये जिंदगी बख्श रही है और ये जिंदगी खत्म कर रही है।
तो इन इस तरह की हर केमिकल की, मादे की हर प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, फिजिकल को हम उर्दू में कहते हैं तबई खसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरी कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मादे की, मैटर की फिजिकल स्टेट से मुतल्लिक होती हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मादे की फिजिकल स्टेट से मुतल्लिक कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप उन तमाम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हमें नजर आ रही हैं, मसलन किसी चीज का कलर, रंग, ऑर्डर, उसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट, उसका जायका कैसा है, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हर वो प्रॉपर्टी जो हमें नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी किसी मैटर की वो प्रॉपर्टीज जो उसके केमिकल रिएक्शन से मुतल्लिक होती हैं, जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसे हम देखकर नहीं बता सकते। कोई शख्स पानी को देखकर ये नहीं बता सकता कि इसका फार्मूला H2O है। अब इसका ये जो फार्मूला है, ये सिर्फ एक केमिस्ट को पता है, उसने पढ़ा है, लेकिन इसकी इस H2O से मुतल्लिक इसकी जो इंटरनल जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, ये किसके साथ कैसे केमिकल रिएक्शन करेगा, किसी दूसरी चीज के साथ मिलकर कैसे एक तीसरी नई चीज बनाएगा, कैसे ये ब्रेक होगा, और किस, यानी इसके आयंस कैसे बनेंगे, इसकी यानी हर वो चीज़ जो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो इसके केमिकल रिएक्शन से मुतल्लिक है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिस्ट्री के अंदर हम चीज़ों की, मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ते हैं। और लास्ट वन जो हम केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। मैटर के केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, दो चीज़ें, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक तीसरा नया कंपाउंड बना रहे हैं, और एक कंपाउंड टूटकर अपने मुतल्लिका आयंस के अंदर तब्दील हो रहा है, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर तब्दील हो रहा है, तो हम कहते हैं ये सारे केमिकल रिएक्शन हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने साइंस को डिफाइन किया, फिर हमने मैटर और एनर्जी को डिफाइन किया, उसके बाद हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी और इस डेफिनेशन को इन डिटेल समझा। तो इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री और इसके साथ ही मेरे लेक्चर्स इंशाल्लाह फिजिक्स पर भी आएंगे। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री का आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।